यहाँ से एक बिल्डिंग है जो 55 मीटर हाइट पे एक विंडो है, ठीक है ना। दिस इज विंडो वन, और इससे 180 मीटर पे दूसरी बिल्डिंग है, और यहाँ पे 10.9 मीटर पे एक विंडो है। यहाँ से एक इंसान कुछ फेंकता है ताकि वो सीधा इस विंडो में जाए। सही बात है, गलत बात? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, यस सर। सीधा इस विंडो में जाए। तो जी का वैल्यू 9.8 लेना है कि बताओ किस स्पीड से वो फेंके ताकि वो डायरेक्ट इस विंडो के अंदर, कोई बंदा खड़ा है उसके पास पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम विंडो वन। तो विंडो टू, माइंड यू, ठीक है बेटा। एक बच्चे ने आंसर बता दिया। देखिए ये प्रोजेक्टाइल हो गया ना एक हाइट से, सुन रहे हो भाई? यस सर, ये हाइट 180 फोर्टी फोर हॉरिजॉन्टल फाइव हो गया, होती है, फिफ्टी और हाइट कितनी हो गई? फाइव माइनस 10.9, 55 माइनस 11 44.9, होता है 44, तो ये होगी 44.1 है ना, 44.1 होगी। तो टाइम कितना होगा? टाइम होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, राइट। कितनी देर में पहुंचेगा? h की वैल्यू होगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 40 अपॉन में g की वैल्यू होगी 9.8, तो ये तो 4.9 पे जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। सर हमको टाइम नहीं पूछा है ना, हमको वेलोसिटी हाँ पूछा है ना जी, सर, हमको वेलोसिटी पूछा है ना सर, आपने कुछ फॉर्मूला दिया था आर टू रेंज इक्वल टू हाँ। तो फिर मैं कर रहा हूँ यू, ना बेटा, एक बार टाइम निकाला। अब रेंज कितना होगा? रेंज होगा u इंटू टी,
यू कितना आएगा, यू इंटू टी, टी कितना है 3, तो रेंज होना चाहिए 180, आया ना, तो ये देखिए आ गया 60। अब तुमने रेंज का फॉर्मूला याद कर रखा है, मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है कि रेंज होता है यू इंटू टी, टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी होता है। अब तुमने ऐसे डायरेक्ट याद कर रखा है, बस इतनी बात है, समझे? क्या बेटा, ट्रेजेक्ट्री वाले से? अच्छा, ट्रेजेक्ट्री वाला इक्वेशन से कैसे करना है, ठीक है देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, राइट। y की वैल्यू हो गई माइनस का 44.1 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, g की वैल्यू होगी 9.8, x की वैल्यू हो गई, सर समझ गया सर क्या गलत है, ठीक है? यस सर, आगे चलो। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है, आगे चलता हूँ। यस सर, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, मैं अपने सबसे पहला केस किया पैरेलल टू द ग्राउंड, राइट। प्रोजेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड, दूसरा केस कर रहे हैं अपन, प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, ठीक है। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का ही दूसरा केस है, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिख लेना प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, आप डायरेक्ट कर दो खुद ही, इसमें अपन फॉर्मूला वगैरह ड्राइव नहीं करेंगे, बेसिक फंडामेंटल से ही करना है, राइट। चलो तुम बता ही दो मेरे को कैसे कैसे करोगे, कि जैसे ये कैसे प्रोजेक्टाइल होगा, ये कुछ क्यों जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दो मोशन है हमारे पास, इसमें भी सही बात है गलत बात बेटा, एक मोशन हॉरिजॉन्टल का जो कि यू कॉस थीटा से, और एक मोशन वर्टिकल का है जो कि एक पर्टिकुलर हाइट से जा रहा है, हाँ या ना? ये हाइट है पर्टिकुलर, इस हाइट पे अपन ने यू साइन थीटा से फेंका, सही बात है गलत बात? यस सर। यहाँ पे दो वेलोसिटी आ गई ना इसकी, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, तो आपने यू साइन थीटा से फेंका, तो वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, आया ना? इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा नीचे, तो ऐसा आपने रेक्टिलिनियर में पढ़ रखा है, तो ये सेम इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला मोशन कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ रहा है, इसके साथ साथ ही हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, सही बात है गलत बात? तो आपको टाइम बताना, टाइम कैसे बताओगे, वर्टिकल के मोशन से हॉरिजॉन्टल के मोशन से? सर वर्टिकल, वर्टिकल फॉर टाइम ऑफ लाइट, वर्टिकल के मोशन से बताओगे, है ना? तो वर्टिकल के मोशन को कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या करना होता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, पता है ना डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल का, यहां से यहां तक जा रहा है इनिशियल से फाइनल की, तो एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इनटू टी,
प्लस हाफ ए वेक्टर इनटू टी स्क्वायर, सही बात गलत बात? एस वेक्टर नीचे की ओर है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ, है ना, समझ में आ रही है बात? माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टोटल टाइम टी मान लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, प्लस में हाफ जी की जगह माइनस जी ले लूंगा इनटू टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, अब जो क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या होगा ना कि यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा होगा, थीटा की वैल्यू पता होगी, यू की वैल्यू पता होगी, एच की वैल्यू पता होगी, तो टी निकालना होगा, तो वहां पे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट? अरे हाँ सर, यस सर, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द टी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूँ, बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी अपन इसका बिना मतलब का मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल लगाएंगे, फिर वो याद तो रखा नहीं जाएगा, तो बेटर ये है कि आप मेथड समझो, राइट? बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड टी, इस तरीके से टी निकाल लेंगे। सिमिलरली रेंज के लिए क्या करोगे बताओ, तुम लोग बताओ। u sin theta into x लेंगे इस बार, u sin theta नहीं सर, u cos theta into t, है ना? अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे? अब मैक्सिमम हाइट आपको यहां तक की तो पता ही है ना, अभी h है इस लेवल तक की, तो आपको ये वाली हाइट और बता। हाँ सर, इसको एच डैश, मैक्सिमम हाइट होगी एच प्लस एच डैश, और एच डैश हमें पता है कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर, सही बात है, गलत बात? तो ये आ जाएगी एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, समझे क्या? या फिर यहां से निकालो, एक ही बात, ये एच डैश होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, समझ में आ रही है बात? सर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई डायरेक्शन क्यों ली? क्या कह रहे हो बेटा? सर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन क्यों ली? क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल का मोशन जो है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक नीचे नहीं गिरेगा। नीचे गिराने का काम किसका है? वर्टिकल के मोशन का है, सही बात है गलत बात? हाँ सर, समझाओ। नीचे कौन गिरेगा, कब नीचे कब गिरेगा, ये डिसाइड तो वर्टिकल का मोशन करेगा ना, तो वो कब गिरेगा, वो कब मतलब टाइम बताना है आपको, तो वर्टिकल के मोशन से निकालेंगे। हाँ बेटा पूछ। सर एक डाउट, सर आपने वहां लिखा है ना पॉइंट नंबर 2 में कि प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा अबाउ हॉरिजॉन्टल, तो सर वो हॉरिजॉन्टल मतलब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दिख रहे हैं या फिर वो हाइट के रिस्पेक्ट? वो क्या लिखा है मैंने बताइए मेरे को। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को नहीं बोलते,
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, राइट? यस सर, ओके सर. आगे चलें भाई. यस सर. इस पे क्वेश्चन कर, ठीक है? यह एक 11 मीटर हाइट हाई बिल्डिंग है और यहाँ पे आपने 10 मीटर पर सेकंड से किसी को फेंका, ठीक है? एट एन एंगल 37 डिग्री. तो हमें ये बताना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज. मैक्सिमम हाइट अचीव. सर कॉस 37 डिग्री क्या था? क्या बेटा? 3 बाय 5 था क्या? सर कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या था? 3 बाय 5 ना. कॉस 37 होता है 4 बाय 5. साइन 37 होता है 3/5. ये आपको पता नहीं है क्या? हाँ सर पता है, पर भूल गया. तो हाँ, और टेन 37 होता है 3/4. चलो करो सॉल्व. सर इसमें जी की वैल्यू क्या लेनी है? यू की वैल्यू कितनी लेनी है? जी की वैल्यू पूछ रहा है वो. जी की वैल्यू 10. अच्छा, मैक्सिमम हाइट होती है ग्राउंड से, ठीक है ना? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड.
चलिए टाइम निकालते हैं, तो इस मोशन का एक देखिए बेटा, जी की वैल्यू 10 लोगे तो अलग आंसर आएगा, 9.8 लोगे तो अलग आएगा, राइट। इसलिए मैंने 10 पहले से डिसाइड करके दिया आपको। तो इसके दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी होगी 10 cos 37, 8 आ गया। वर्टिकल कितनी होगी 10 sin 37, 6 आ गया, आया ना। वर्टिकल के मोशन से निकालेंगे, एस वर्टिकल इज इक्वल टू यू वर्टिकल इंटू टी प्लस आर ए वर्टिकल इंटू टी। अब ये नीचे जा रहा है, माइनस नीचे जा रहा है तो माइनस 11 हो जाएगा, राइट। सिक्स इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 11 इक्वल टू जीरो, जीरो तो ये आएगा 5t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5t प्लस 5t माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, आया ना। तो ये आएगा t प्लस 1 5t माइनस 11 इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू माइनस 1 तो हो नहीं सकती, तो t की वैल्यू 11/5 ही होगी, राइट। कितनी देर बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी है 8, टाइम कितना है 11/5, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी 88/5 मीटर, राइट। मैक्सिमम हाइट के लिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर की निकाल लेंगे, राइट। तो एच मैक्स की बात करते हैं, तो वो आएगा 11 प्लस यू साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो 2 × 10 टी पे चला गया टी बाय 5, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 9/5 कितना आएगा बेटा, ये 11 plus 1.8 12.8 4/5, राइट। ठीक है बेटा, यस सर, आगे चलो। यस सर, एक चीज पूछनी थी सर, हमने यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट माइनस 11 की जगह प्लस 11 की ली, तो फिर सर अगर मैं यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट, सर अगर मैं यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट प्लस 11 लूंगा सर, सर मतलब मैं नीचे क्यों कंसीडर कर रहा हूँ इसे बिल्डिंग की हाइट को। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। आप क्या लिख रहे हो, हाइट लिख रहे हो या डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर, क्या लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो या हाइट लिख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर होता है? इनिशियल पॉइंट से मेजर होता है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट का होता है इनिशियल से फाइनल का, ये है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इसका। हाँ सर समझा, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है जिसका वर्टिकल डायरेक्शन देखोगे तो नीचे की ओर हो गया ना। हाँ सर, अपने क्या वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर लेना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल लिख रहा है, ठीक है ना। हाइट तो आप नीचे से ऊपर मेजर कर लो, चाहे ऊपर से नीचे मेजर कर लो, 11 ही आएगी। हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस सर, आगे चले भाई। सर तो अगर 11 प्लस पॉजिटिव 11 लिया तो फिर आंसर गलत ही आएगा ना? ऑब्वियसली गलत आएगा, आप नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, ऊपर की पॉजिटिव ले रहे हो, सॉरी नीचे की नेगेटिव ले रहे हो और ऊपर की पॉजिटिव ले रहे हो। अगर आप प्लस 11 ले रहे हो तो मतलब आप डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर मेजर कर रहे हो। प्लस 11 लिया तो बाकी सब चीजें फिर उसी हिसाब से साइन चेंज करने पड़ेंगे। हां फिर साइन चेंज करो ना, यहां के साइन अकॉर्डिंगली लो, ठीक है सर। मतलब अगर साइन अगर आप इसको प्लस 11 ले रहे हो, लेट अस सपोज, तो फिर आपको यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस 11 माइनस 60, और जी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा प्लस 5t स्क्वायर। इक्वेशन तो वही बनेगी ना, 5t स्क्वायर सॉरी ये वाली 5t स्क्वायर माइनस 60, ये 11 उधर आ जाएगा माइनस 11। तो साइन मैं यही तो कह रहा हूँ कि साइन आप एक मान लो, या तो ऊपर वाले पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले नेगेटिव मान लो, या नीचे वाले पॉजिटिव ऊपर वाले नेगेटिव,
ओवरऑल इक्वेशन एक ही बननी है क्योंकि सभी साइड सभी अकॉर्ड सभी जगह फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना, समझ में आ रही है बात। इस 11 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन के दोनों साइड अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो दूसरे वाला साइन की इक्वेशन आ जाएगी, आया ना? यस यस सर। तो एक इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, अगर ये इक्वेशन लगा रहे हैं तो इसके लिए आप एक साइन कन्वेंशन चूज कर लीजिए और फिर उसी को यूज कीजिए। हाँ, थोड़ी देर बाद मान लेते हैं आप कोई और चीज सॉल्व करने के लिए कोई और इक्वेशन लगा रहे हैं, लेट अस सपोज ये इक्वेशन लगा रहे हैं, समझ में आ रही है बात, कोई और चीज सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं एक बार के लिए, उसके लिए आप साइन कन्वेंशन दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। लेकिन एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक ही साइन कन्वेंशन लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप एस का पॉजिटिव ले लो फिर यू को भी पॉजिटिव ले लो तो सारी चीजें फिर पॉजिटिव नहीं लेनी, राइट? ओके सर, आगे चले भाई। यस सर। आगे क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें ये है कि आपने ऊपर फेंकने की बजाय नीचे की ओर फेंका, समझ में आ रही है बात? सर आप रिपीट कर सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल फाइंड एवरीथिंग, जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो सब निकालो, टाइम ऑफ लाइट निकालो, रेंज निकालो, हाइट निकालो, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ये एट आया, ये सिक्स सर 1 सेकंड आया क्या, शायद 1 सेकंड ही आंसर। हाँ सर,
अभी डिस्प्लेस अभी देखो सारा मोशन नीचे की ओर है ना, तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ज्यादा झंझट नहीं करना राइट। तो डिस्प्लेसमेंट 11 60 प्लस 5 t स्क्वायर, सही बात है गलत बात? यस सर। यस कितना आएगा ये, इसमें अब वो वाली कहानी बन जाएगी, प्लस प्लस का 11 और माइनस का 5 बनेगा इसमें, है ना? प्लस का 11 और माइनस का 5, तो ये आएगा 5 टी स्क्वायर, ये माइनस 11 बाय 5 है या फिर प्लस 1 है? हाँ, तो ये आएगा कि 5 टी प्लस 11 और टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 इसमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा अपने को, राइट? 5 टी प्लस 11 इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है, तो t की वैल्यू 1 सेकंड आएगी, राइट? यहाँ पे रेंज की बात करें तो रेंज कितना आएगा बताओ, कितनी दूर जाके गिर जाएगी? 8 मीटर, क्योंकि ओरिजिनल में 8 से चल रहा है, मीटर 8 × 1, राइट? ये आ गया। और हाइट, मैक्सिमम हाइट तो हाइट 11 ही है, इससे तो हमेशा नीचे ही आएगा, सही बात है गलत बात? यस सर। तो इसमें एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करते हो लैटिस फोर्स, ठीक है, तो स्पीड u से एट एन एंगल थीटा, तो आपको ये बताना है कि जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, समझे? यस सर। Find the speed with which it hit the ground. Sir. हाँ जी। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो हाइट मैक्स कितना है? हाइट मैक्स तो 11 ही आएगा ना बेटा, क्योंकि 11 से तो वो नीचे ही रहेगा हमेशा। ओके सर। वैसे ही आएगा ना नीचे की ओर ही, क्योंकि उसकी वर्टिकल की वेलोसिटी नीचे की, वो जब भी उसका जर्नी स्टार्ट हो रहा होगा तभी 11 होगा। बस उसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट था, उसके बाद हाइट उसका कम ही हो रहा है, राइट? ओके सर। तो रेंज क्या आ रहा था? हां बेटा पूछो। रेंज 8 मीटर है ना बेटा, रेंज 8 मीटर है।
चलिए देखते हैं कि देखो भाई सर ओरिजेंटल की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी राइट, तो मान लेता हूँ स्पीड के दो कंपोनेंट हैं vx एंड vy, वाई आया ना, तो vx yes, तो u की होगी, vy चेक करना है, तो vy के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर वाली u साइन की, हमें वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है राइट, तो vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2aysy, vy का स्क्वायर आ गया हमारे पास निकालना कैसे आप, हाँ जी बोलिए सर। सर यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट इन वाई एच क्यू लिया सर, वो ऊपर भी तो जा रहा है उसके मैक्सिमम उसका उसके ऊपर भी तो है, समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं सर कुछ नहीं सर समझा, अरे कुछ नहीं नहीं आप एकदम एक ही कंसेप्ट क्लियर करके चलो, हाँ सर ऐसा मत सोचो, मैं हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो, नहीं सर सर एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट था सर, वो इनिशियल से फाइनल तक एच लेना था सर, वो नहीं याद आया, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच कैसे लिया, नहीं सर हाँ सर वो हो गया लेकिन क्लियर, वो तो पता लग गया ना ऊपर से नीचे की ओर है, हाँ सर चलो तुम्हें आईडिया पता लग गया ना फाइनली क्या हुआ है, ये हो गया यू वाई का स्क्वायर इज यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू माइनस जी माइनस एच राइट, वी वाई का स्क्वायर अपने को निकालना है, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, ये कौन होया वी वाई हुआ और ये कौन है वी एक्स, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि ये नेट वेलोसिटी वी क्या होगी, तो वी अपने को पता है किसके बराबर होगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, सही बात है गलत बात, अरे हाँ या ना, तो vx कितना है u cos थीटा का स्क्वायर, vy का स्क्वायर किसके बराबर है, डायरेक्ट ये स्क्वायर ही पुट कर देते हैं, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2gx, ये नेट v स्क्वायर हो गया है ना, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gx, तो नेट स्पीड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gx, सही बात है गलत बात, यस सर, तो जिस स्पीड से गिरेगा इस स्पीड में कहीं थीटा आया क्या, कहीं भी थीटा का एक्सप्रेशन है क्या इसमें, नो सर, मतलब ये फाइनल स्पीड जिस स्पीड से गिरेगा वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, केवल इनिशियल स्पीड पे और हाइट पे, जी तो चलो कांस्टेंट ही होता है, सही बात है गलत बात, यस सर, अरे हाँ या ना, इस कहानी से हम क्या कह सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता राइट, आया ना, यस यह मैटर नहीं करता, सही बात है गलत बात है बेटा, आगे चलते हैं, यस yes. तो यहां से अपन नोट डाल के एक पॉइंट लिख देंगे सर, एक मिनट कुछ और स्लाइड दिखाऊं, एक सेकंड रुक जाओ मैं दिखा दूंगा कि h हाइट पे से अगर अपन कोई भी डायरेक्शन में u स्पीड से अगर प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में आपकी इच्छा हो, ठीक है बेटा, तो हमेशा ग्राउंड पे पहुंचने की स्पीड u स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट होगी, सही बात है गलत बात, यस सर, ग्राउंड पे पहुंचने की स्पीड ये हो, दिस इज ग्राउंड पर पहुंचने की स्पीड, पहुंचने से जस्ट पहले स्पीड,
ठीक है बेटा, ये लो प्रीवियस पेज। आगे चलो, यस सर। अब हमको ये पता है कि जो भी, हाँ बोलिए, हो गया सर वो, एक सेकंड। हाँ करो करो। Yes, sir. अब लोगों को ये बात पता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को रिलीज करते हैं, है ना, तो उसकी वेलोसिटी वही हो जाती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की है। सही बात है गलत बात? Yes. Yes, sir. ये बताया था आप लोगों, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे ये गाड़ी थी और गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड, और इससे एक आदमी जो है वो नीचे उतरा, तो उस आदमी की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, राइट? वो जस्ट आराम से उतरा था, उतरते ही उसको भागना पड़ा। यस सर। अब लेट अस सपोज इस गाड़ी से एक पत्थर ड्रॉप किया, आया ना, एक पत्थर ड्रॉप किया, तो इस पत्थर की स्पीड गाड़ी की स्पीड के बराबर हो जाएगी ड्रॉप करने के जस्ट बाद। एक हिसाब से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया ना, पत्थर ऐसे ट्रेवल करेगा। सही बात है गलत बात? यस सर। अगर मैं इसी गाड़ी से एक पत्थर को फेंकता, गाड़ी से पत्थर को फेंकता 5 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में, मतलब मैंने यहां खड़े होकर फेंका तो मेरी खुद की स्पीड थी 10, आया ना, तो अगर मैं छोड़ता तो मैं इस पत्थर की स्पीड 10 हो जाती, लेकिन मैंने इसको 5 से फेंका है तो इस पत्थर की ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। मतलब आपने जो स्पीड दी ना, वो आप अपने रिस्पेक्ट में दी कि मैंने इसको फेंका है मेरे रिस्पेक्ट में 5 से, अगर छोड़ा तो मैंने मेरे रिस्पेक्ट में 0 स्पीड दी। सही बात है गलत बात? केवल छोड़ा उसको, फेंका नहीं, छोड़ा तो मैंने मेरे रिस्पेक्ट में 0 स्पीड दी, लेकिन मैंने फेंका तो मेरे रिस्पेक्ट में मैंने 5 दी। तो एक्चुअली उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी कि जो मैंने मेरे रिस्पेक्ट में दी है प्लस मेरी स्पीड। सही बात है गलत बात? समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर एक गाड़ी है और वो गाड़ी रेस्ट पे है, आपने यहां से यू स्पीड से किसी चीज को फेंका एट एन एंगल थीटा पे, तो कुछ नहीं है। इसको अगर कोई बंदा बाहर खड़ा होकर देख रहा है तो इसको ऐसे स्टडी करेगा कि ये यू से आपने फेंका है और ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ यू आर, आया ना? यस सर। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी 20 स्पीड से जा रही है और आपने इस पे यू स्पीड से फेंका, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यू है ये विद रिस्पेक्ट टू कार है, राइट? एंड वी है स्पीड ऑफ कार। समझ में आ रही है बात? यस। स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार, यहां पे लिख रहा ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार। तो एक बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या देखेगा, इस पत्थर की नेट ओवरऑल स्पीड क्या देखेगा कि यू इधर और वी इधर, दोनों जोड़ेगा वो। सही बात है गलत बात? अगर इसको रिलीज करते तो इसकी स्पीड वी होती, लेकिन आपने तो इसको फेंका है तो ये दोनों स्पीड का एड हो जाएगा,
इसकी ओवरऑल स्पीड बीच में कहीं होगी, सही बात है गलत बात? दोनों वेक्टर का एडिशन होगा, सुन रहे हो भाई? यस सर, यस सर। तो आप इस वेक्टर एडिशन कैसे करोगे कि सर इस यू के दो कंपोनेंट लेंगे, यू कॉस थीटा एंड वी यू साइन थीटा, हाँ या ना? आप क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे कि सर इसके पास हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, u cos थीटा प्लस v, कि u cos थीटा तो मैंने दी और एक मेरी स्पीड v वो इसमें ऐड होगी, आया ना? और u sin थीटा इधर, तो ये जो आपने रेड वाली लाइन बनाई है ना, इसके ये दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? u cos थीटा प्लस v एंड u sin थीटा, ये इस रेड लाइन के कंपोनेंट है, सही बात है गलत बात? सर आप कंपोनेंट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते? क्या कह रहे हो सर? ये कंपोनेंट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैंने ये बोला कि इसको मैंने u स्पीड दी और मेरी स्पीड v है, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक वेक्टर एडिशन आएगा ना, पैरेललोग्राम लॉ से आपको पता है कि यहाँ पे एक डायगोनल आएगा। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, तो ये इसका नेट स्पीड आएगा, राइट? अब ये नेट स्पीड कैसे निकालोगे, मतलब आपको या तो फॉर्मूला लगाओ कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv sin cos थीटा वगैरह, या फिर ऐसे कर लो कि u के दो कंपोनेंट ले लो, u cos थीटा एंड u sin थीटा, आया ना? यस सर, ले लिया आपने। तो u cos थीटा और v ये दोनों तो ऐड हो गए हॉरिजॉन्टल के, सही बात है गलत बात? क्योंकि अपने को क्या करना है, u और v को ऐड ही करना है ना, तो i कैप में i कैप ऐड होगा और j कैप में j कैप, तो j कैप मेरा v का तो कुछ है नहीं, तो केवल u का ही रहेगा, सही बात है गलत बात? यस सर। अपन v के कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे क्या? क्या कह रहे हो बेटा? v के कोई कंपोनेंट नहीं लेंगे क्या अपन? v के कंपोनेंट क्यों लेंगे, v तो है ही हॉरिजॉन्टल में, ये तो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल है ना, आप किसके लॉन्ग कंपोनेंट लोगे बताओ? अपन तो कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ले रहे हैं ना बेटा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल में वी का कोई कंपोनेंट थोड़ी आएगा, परपेंडिकुलर में थोड़ी आता है, सही बात है गलत बात? हां सर। इसके पास हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा + v और वर्टिकल में हो जाएगा u sin थीटा, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर रूट, सही बात है गलत बात? मतलब बात ये कि इससे अपन सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आएगा 2u sin थीटा / g, रेंज किसके बराबर आएगी, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी, अब इसमें हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी आपको ये वाली लेनी है, आया ना, इनटू t, t की वैल्यू किसके बराबर है, t याद है, मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल, वर्टिकल का मोशन तो सेम ही है, आया ना? यस सर, बस हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी चेंज हुई है, सही बात है गलत बात? क्योंकि गाड़ी हॉरिजॉन्टल में जा रही थी, अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर, हाँ। चलो छाप लो फिर फटाफट। सर वो h में आपने v स्क्वायर लिखा या u स्क्वायर लिखा? u स्क्वायर लिखा भाई, u स्क्वायर भाई, वर्टिकल की स्पीड क्या है, u है ना यार? हाँ सर, बस तो केवल छापा मत करो, समझा करो, छापने के लिए तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, मेन मोटिव होना चाहिए समझने का, राइट? जितना साथ साथ छाप सकते हो उतना छापिए, आया ना? छापने के लिए मीटर आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आपकी सीट में मिल जाएगा, ओवरऑल बात ये कि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें समझना है चीजों, राइट? यस सर।
हाँ व्हीकल की हाइट नेग्लिजिबल है ठीक है ना, जब तक उसने मेंशन ना की हो, अगर उसने स्पेशली मेंशन की तो लेनी पड़ेगी राइट। फिर आपका प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट हो गया ना ये, आगे चलो बेटा। अगर गाड़ी 20 स्पीड से इधर जा रही होती है और आप इधर फेंक रहे तो क्या लेते हैं, u cos थीटा माइनस v लेते हैं, माइनस v u cos थीटा माइनस v, वर्टिकल में u sin थीटा। अगर गाड़ी ऊपर जा रही होती और आप इधर फेंक रहे हॉरिजॉन्टल की u cos थीटा और वर्टिकल की u sin थीटा प्लस v, सही बात है बार? हाँ सर। इसी तरीके से मैं जनरल कैसे बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी इधर जा रही है एट एन एंगल फाइव पे और आप यू को फेंक रहे हो एट एन एंगल थीटा, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल जोड़ दो, सही बात है गलत बात, वर्टिकल में वर्टिकल जोड़ दो। यस सर। सर फिफ्थ वाला केस का वो डायग्राम है, एक गाड़ी आपकी टेढ़ी जा रही है, कहीं गाड़ी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है ठीक है ना। यस सर। ये जैसे आपका हॉट एयर बैलून हो सकता है, वो इसे टेढ़ा जा सकता है ना हवा में। हाँ सर। और उसमें खड़े होके आपने कुछ फेंक दिया ऐसे थीटा एंगल पे, समझ में आ रही है बात, तो आपको क्या करना है, जो ओवरऑल ग्राउंड से होगा तो ये आपकी गाड़ी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो गाड़ी की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी है, तो इसके हॉरिजॉन्टल में गाड़ी का हॉरिजॉन्टल ऐड कर दो, इसके वर्टिकल में गाड़ी का वर्टिकल ऐड कर दो राइट। अरे समझ में आया? यस सर। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ सर, एक सेकंड। आगे चलो बेटा। सर बोल दिया। ये एक फाइटर प्लेन, ये 50√2 से उड़ान भर रहा है एट एन एंगल 45 डिग्री, समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। और ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर उठ रहा है, तो इट रिलीजेस ए बॉम्ब एट द शॉन सिचुएशन, द फाइटर प्लेन रिलीजेस ए बॉम्ब at the shown situation. Find
टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम व्हेन द बॉम्ब रीचेस टू ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट को पूछ, फाइंड टाइम व्हेन बॉम्ब रीचेस द ग्राउंड. Maximum height achieved by the bomb. सर एक डाउट, सर एक डाउट. हाँ भाई पूछिए. सर वो बॉम्ब नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है ना, उसने बस यहाँ से रिलीज कर दिया, रिलीज. ओके उसने छोड़ दिया बस, ठीक है ना. ओके सर, फेंका नहीं है उसने, अब खींचेगी तो उसको ग्रेविटी. सही बात है गलत बात? सर वो 50 रूट टू जेड की वेलोसिटी है ना. क्या बेटा? ये जेट की वेलोसिटी है 50 रूट टू मीटर पर सेकंड, जिस टाइम पे बॉम्ब रिलीज किया. जी की वैल्यू 10 लेनी है.